2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम 23 मई को आएंगे, लेकिन नेताओं के दावे और बयानबाजी जोरों पर है। एक तरफ विपक्ष परिणाम से पहले ईवीएम राग अलाप रहा है, तो वहीं बीजेपी बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब विपक्ष कहीं पर भी जीतता है तो ईवीएम ठीक और हारते हैं तो खराब। कटारिया ने कहा कि विपक्ष अपनी हार को देखते हुए इधर उधर नोचने का काम कर रहा है। कटारिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार के चुनाव परिणाम में कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्ष नेता बनाने की संख्या भी नहीं ला पाएगी। सोचता हूं कि अब उनके इन शब्दों से उनको ज्यादा मार पड़ी है। जितना इन्होंने बोला उठपटांग उतना ही उनका माइनस पॉइंट बना है। मैं सोचता हूं जब वो जीतते हैं तब तो ईवीएम मशीन ठीक चली थी, और जब वो हारते हैं तो मशीन में खराबी हो जाती है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? और मैं सोचता हूँ कि कौन क्या करता है। आप भी तो भगवान के यहाँ धोख लगने जाते ही होते हो ना, तो भगवान के यहाँ धोख लगने जाना कोई पाप है क्या? जब आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और कोई दूसरा करता है तो फिर उनको खड़ा करते हो। और जिस तरह से कोई आदमी जब हारता है ना तो फिर इधर से इधर नोचा नोची करता है। मैं सोचता हूँ कि उनको ये पता लग गया कि नीचे से धरती बिल्कुल साफ हो गई है। और दुर्भाग्य ये होगा आपकी बात कि कांग्रेस एक सशक्त प्रतिपक्ष का नेता बनने की जो मिनिमम संख्या है वो भी कवर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये उनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि वो 55 सीटें भी ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। वो